हे बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे सारे? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तैयार आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ टॉप 3 बेस्ट सीड्स जिनमें आप नए वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि नए वर्ल्ड में खेलने की सोच रहे हो तो यार आपके लिए ये 3 सीड्स में से एक सीड चूज़ करना बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि इन सीड्स में जो मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है जैसे विलेज, स्ट्रॉन्ग होल्ड, ये सारी चीज़ें ना मतलब आपके स्पॉन से बहुत ज़्यादा करीब करीब है। और साथ ही में जो आपका वर्ल्ड स्पॉन होता है वो भी एक बहुत अच्छी जगह पे है जहाँ पर आप अपना बेस बना सकते हैं, और वो भी अच्छी लोकेशन है गाइज। तो गाइज मैं आ चुका हूँ अपने वर्ल्ड क्रिएशन के अंदर, तो मैं इसका नाम जो है वर्ल्ड का नाम लिख देने वाला हूँ 3, और डिफ़िकल्ट मतलब जो गेम मोड है वो होगा क्रिएटिव, क्योंकि मैं हमको दिखाने वाला हूँ और शो कोऑर्डिनेट्स ऑन। और इसकी जो सीड है गाइज मैं यहाँ पर आपको मतलब स्क्रीन पर दे दूँगा, पर अभी टाइप करना पड़ेगा तो इसलिए मैं यहाँ पर टाइप कर दे रहा हूँ। तो इसकी जो सीड है 12 0 8 2 4 है ओ भाई, इसकी सीड है -12 0 8 2 4 2 8 और 7 0। तो गाइज यार सब कुछ सेट हो चुका है, मैं आपको मिलूँगा वर्ल्ड के अंदर। तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अपने वर्ल्ड में स्पॉन हो चुका हूँ, और यहाँ पर है एक बर्च और ओक का फॉरेस्ट जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको सर्वाइव करने के लिए सबसे पहले वुड की ही ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइगा के माउंटेंस है, और यहाँ पर देखिए गाइज ये कितनी अच्छी लोकेशन है बेस बनाने के लिए, बहुत सही लोकेशन है यार, मुझे तो बहुत पसंद है। और यहाँ पर भाई मतलब देख रहे हो कितना बड़ा जंगल है और सामने ये ओशन बायोम। तो गाइज यार ओवरऑल लोकेशन बहुत अच्छी है अपना बेस बनाने के लिए, अगर आप यहाँ पर सारे पेड़ क्लियर कर दोगे तो भाई आपको बहुत अच्छी लोकेशन मिलने वाली है बेस बिल्ड करने के लिए। और साथ ही में यहाँ पर टाइगा बायोम है जिसमें आपको मिलेंगे बेरीज जो कि स्टार्टिंग के दिनों के लिए बहुत अच्छा फूड होता है। और मैं आपको अभी इसका जो विलेज है पास, सबसे पास वाला विलेज बहुत इसके पास में ही है गाइज, मैं वहाँ इसके कोऑर्डिनेट्स आपको स्क्रीन पर दे दूंगा और वहाँ पर अभी टेलीपोर्ट हो जाता हूँ। तो टीपी, और इसके जो विलेज के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है -216। वाई कोऑर्डिनेट्स आप कुछ भी लिख सकते हैं गाइज, और इसकी जो जी कोऑर्डिनेट्स है वो है 120। तो आपको फाइनली बहुत अरसे बाद यहाँ पर रेंडर हो चुका है विलेज। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना अच्छा विलेज है, यहाँ पर दो दो गार्ड टावर से और 3 है भाई, हाँ 3 टावर से, और यहाँ पर देख सकते हैं कितने बड़े 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 तो नहीं पर 2-स्टोरी हाउसेस है, और सही विलेज है यार, बहुत ज़्यादा घर मतलब हाउसेस भी बहुत ज़्यादा है, और आपको बहुत सारे विलेजर्स मिलेंगे, और शायद से विलेज बहुत बड़ा है गाइस वहाँ तक है। और यहाँ पर है इसका फार्म, तो गाइस आप देख सकते हैं ये कितना पास में है, ये सिर्फ 200 ब्लॉक्स दूर है आपके स्पॉन से, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप बोट की मदद से बहुत ज़्यादा आसानी से आप अपने इन विलेजर्स को ब्रिंग कर सकते हैं अपने होम पर, या फिर आप माइन कार्ड भी लगा सकते हैं भाई, बहुत कम आपको रेल्स लगेंगे। और अभी मैं आपको इसका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है मतलब जो फोन के पास का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसके ऊपर ले चलता हूँ, तो मैं अभी वहाँ पर आप टेलीपोर्ट कर देता हूँ और उसके कोऑर्डिनेट्स भी आपको स्क्रीन पर दिखेंगे गाइस, और टाइप भी कर देता हूँ -1150 90 और -408। तो गाइस मैं यहाँ पर टेलीपोर्ट हो चुका हूँ जहाँ पर हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड होने वाला है, और यहाँ पर है एक सवाना विलेज और शायद से इसके नीचे पानी है तो उसकी कोई चिंता नहीं है गाइस, मैं यहाँ से खोदना चालू कर देता हूँ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होल्ड बहुत बड़ा मतलब जो स्ट्रॉन्ग होल्ड का एरिया होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो आप कहीं भी खोद सकते हैं। तो देखते हैं कितनी देर में मिलेगा स्ट्रॉन्ग होल्ड, मिल जाए भाई जल्दी, और शायद से आ गया। ओ भाई कब दिखेंगे कबलस्टोन, हाँ तो यहाँ पर है गाइस हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा तो नहीं पर पास में है आपके स्पॉन से, जो कि 1000 ब्लॉक्स ही दूर है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है गाइस आपके लिए। और यहाँ पर आपको मिलेगा एंड पोर्टल जो कि मैं अभी नहीं दिखाऊंगा। तो यार ये थी 3rd नंबर की हमारी सीड, और मैं इसका जो विलेजर आउटपोस्ट है उसकी भी लोकेशन दे देता हूँ गाइस, तो विलेजर आउटपोस्ट आपको मिलेगा, एक मिनट मैं दिखा देता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट्स है -760 90 और -408।
तो गाइस यहाँ पर है हमारा पिलेजर आउटपोस्ट जो कि 700 ब्लॉक्स दूर है हमारे स्पॉन से, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्पॉन हमारा बहुत अच्छा है, वहाँ पर बिल्ड करने के लिए आपका बेस बहुत अच्छी लोकेशन है गाइस, इसलिए। और इसका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो है 1000 ब्लॉक्स अवे, इसलिए मैंने इसको तीसरे नंबर पे रखा है गाइस। तो आपकी मतलब जो अगली आने वाली सीढ़ी है सेकंड नंबर की, उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड विलेज जो जो होगा वो इससे भी पास में होगा गाइस, तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो मिलता हूँ आपको मैं वर्ल्ड क्रिएशन में। अभी मैं क्रिएट करने वाला हूँ वर्ल्ड नंबर 2 जो कि सेकंड नंबर का वर्ल्ड, सेकंड नंबर की सीड है हमारी। तो मैं इसको कर देता हूँ क्रिएटिव और डाल देता हूँ सीड, और इसकी सीड है -190। आपको स्क्रीन पर दे दूंगा गाइस, टेंशन मत लीजिए। 190, 89, 39, 204। तो शायद सब कुछ हो गया, मैं क्रिएट कर देता हूँ वर्ल्ड। अभी मैं हूँ सेकेंड नंबर के वर्ल्ड में, और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रिवर फ्लो हो रही है, फ्लो नहीं ऐसे स्टील वाटर है, पर यहाँ पर एक रिवर है जो कि मिलती है इस ओशन बायोम में, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। क्योंकि यार ओशन बायोम अगर आपके बेस के पास होता है तो आप कभी भी एक्सप्लोरेशन के लिए निकल सकते हैं और ढूंढ सकते हैं शिपरेक्स, ट्रेजर्स वगैरह। और गाइस यहाँ पर ये देख सकते हैं आप अपना स्टार्टर बेस बनाने के लिए ये लोकेशन बहुत अच्छी है गाइस, क्योंकि देख सकते हैं आप यहाँ पर है टाइगा माउंटेंस, और यहाँ पर है सिंपली प्लेन्स बायोम, और सामने आप देख सकते हैं ओक फॉरेस्ट और बर्च फॉरेस्ट, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है गाइस। और यहाँ पर आप देखिए भाई क्या अच्छी वाटरफॉल है, और साथ ही में एक सिंगल पेड़ जो कि इतना बड़ा है। तो यहाँ पर घर बनाना बहुत सही रहेगा आपको, मतलब अच्छी लोकेशन है घर बनाने के लिए, आपको पसंद आएगा घर। और यहाँ पर भी आप बना सकते हैं गाइस, बहुत मतलब सभी जगह अच्छी है गाइस। और यहाँ पर देख सकते हैं ये केव है, तो मैं आपको इसके जो सबसे नियरेस्ट विलेज है उसकी तरफ लेके जाता हूँ और इसके कोऑर्डिनेट्स भी बता देता हूँ। तो मैं अभी यहाँ पर टाइप कर देता हूँ और आपको स्क्रीन पर दिखेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स जो कि विलेज के हैं, जो कि है -264, 90, -280। ये वाला विलेज भी गाइस सिंपली एक प्लेन्स विलेज है, पर आप देख सकते हैं यहाँ पर है टाइगा बायोम और साथ ही में यहाँ पर टाइगा विलेज, जिसमें है दो हाउसेस जो कि अजीब सी चीज़ है गाइस। यहाँ पर देख सकते हैं आप, बाकी ये प्लेन्स बायोम का विलेज है और ऊपर के जो तीन घर है ये है टाइगा बायोम के है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर है इनकी स्किन दिखी गाइस जो कि टाइगा विलेजर्स की होती है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर दो विलेज मतलब दो बायोम के अलग अलग विलेज जो है वो क्या बोलते हैं भाई मर्ज हो रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि आप कोई से भी विलेजर ले जा सकते हैं, ये तो टाइगा बायोम वाले या फिर प्लेन्स बायोम वाले, और ये बहुत ज़्यादा पास में है आपके स्पॉन से, और मतलब 200 ब्लॉक्स ही दूर है। और इसका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो तो बहुत ज़्यादा पास में है, क्योंकि ये 500 ही ब्लॉक्स दूर है आपके स्पॉन से। तो मैं वहाँ पर आपको लेके जाता हूँ जल्दी से, और इसके भी भाई क्या कितनी बार बताओ अभी नहीं बोलूँगा अब मैं। तो 562, 90 और 514। तो यार मैं अभी टेलीपोर्ट हो चुका हूँ एक और विलेज में जो कि है प्लेन्स विलेज, और यहाँ पर है हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड जो कि मैं आपको नीचे चल के दिखा देता हूँ, और जल्दी मिल जा भाई। हाँ तो ये रहा हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड, और यहाँ पर आप देख ढूंढ सकते हैं अपना एंड पोर्टल, और इसका जो विलेजर आउटपोस्ट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। -616, 1672। तो यार ये रहा आपका विलेज पिलेजर आउटपोस्ट, और ये है हमारे डेजर्ट बायोम में, और साथ ही में यही पर आप देख सकते हैं एक और विलेज है जो कि कहाँ पर है भाई, था यहाँ पर विलेज था एक डेजर्ट विलेज था जो कि अभी रेंडर नहीं हो रहा है, तो जाने दीजिए गाइस। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो पिलेजर आउटपोस्ट है वो 500 मतलब 600 -600 और 1650 पे है, जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं पर पास में है, क्योंकि अगर ज़्यादा पास में रहेगा तो भाई आपके ऊपर ही अटैक करेंगे, तो ये मतलब सेफ डिस्टेंस पे है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो विलेज है वो अभी लोड हो रहा है,
तो यार ये थी हमारी सेकंड नंबर की सीड, और अभी मैं आपको फाइनल और फर्स्ट सीड पर लेके जाता हूँ। तो अभी मैं क्रिएट कर रहा हूँ फाइनल और नंबर वन वर्ल्ड, जो कि नंबर वन सीड का वर्ल्ड है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ नंबर वन, और ये गेम मोड क्रिएटिव, और जो सीड है इसकी वो है, इसकी जो सीड है वो थोड़ी आसान है, 4733-66035। और तो यार मैं मतलब जो है वर्ल्ड जो है वो क्रिएट हो चुका है, और ये है इसका जो स्पॉन है वो है टाइगा बायोम में, जो कि मतलब बहुत अच्छी बायोम होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको बेरीज मिलते हैं और फॉक्सेस, वुल्व, ये सब मतलब जो मॉब्स है वो भी मिलेंगे। पर गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लोकेशन है बेस बनाने के लिए बहुत अच्छी है गाइज, मतलब सबसे अच्छी है। मतलब मैंने जो दोनों सीट्स बताई थी पहले वाली, उनमें से सबसे अच्छी यही है, क्योंकि अगर आप यहाँ के पेड़ क्लियर करेंगे तो भाई आपको ना मतलब सामने देख सकते हैं कितनी बड़ी रिवर जो है, और सामने ओशन बायो में, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है गाइज। और यहाँ पर आपका बेस बहुत अच्छे से बन सकता है, और एरिया भी बहुत बड़ा है, तो अगर आप सारे मतलब जो ट्रीज़ है वो हटा देंगे तो यार अच्छा बेस बनेगा। और इसका जो विलेज है वो सिर्फ और सिर्फ 200 ब्लॉक्स दूर है, तो मैं वहाँ पर आपको लेके चलता हूँ। 200 ने गाइज 168, मतलब जो अभी दिखा देता हूँ गाइज यार आपको, टेलीपोर्ट होके, टेलीपोर्ट माइनस 168-90 और 104, तो यार आप देख सकते हैं कितनी पास में है इसका विलेज। यार यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइगा बायोम का विलेज है, जो कि बहुत अच्छा है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, और यहाँ पर आपको टाइगा बायोम के विलेजर्स मिलेंगे, जो कि जिनकी स्किन जो है वो बहुत अच्छी लगती है मुझे पर्सनली। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फार्मर्स काम कर रहे हैं, और यार ये 168 ब्लॉक्स, मतलब भाई दो सोच रहे हो कितनी पास में है आपके विलेज, मतलब जो आपका स्पॉन है उससे, तो आप बहुत ज़्यादा आसानी से इनको आपके घर तक ले जा सकते हैं। और इसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है जो है वो भी बहुत ज़्यादा पास में है, जिसकी जिसके कोऑर्डिनेट्स है 562 और 514, तो यार बहुत बहुत ज़्यादा पास में है, 500 ब्लॉक से दूर है सिर्फ ये स्ट्रॉन्ग होल्ड इसका। और यहाँ पर सब कुछ लोड होने के बाद मैं आपसे मिलूँगा, नहीं अभी मिलूँगा, अभी लोड हो चुका है। और इसका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो ठीक इसके नीचे है, जो कि टाइगा बायोम के विलेज में है, और कभी मिलेगा भाई, मिल जा। हाँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है यहाँ पर है। और गाइज इसकी जो मतलब ये सीड की जो खास बात ये है कि आपको मैं इस विलेजर आउटपोस्ट का आउटपोस्ट के कोऑर्डिनेट्स नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ये जो विलेज है इसके जस्ट, ओ भाई लैग हो रहा है थोड़ा। तो यहाँ पर जो विलेज है इसके पास ही में है, यहाँ पर इसका जो विलेजर आउटपोस्ट, तो इसके कोऑर्डिनेट्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो यार ये विलेजर आउटपोस्ट आपके घर से बहुत मतलब बहुत तो नहीं पर थोड़े बहुत पास में ही है, तो यहाँ पर आप अपना आसानी से रेड फार्म बना सकते हैं। और यहाँ यहीं पर भाई इतनी इतनी पास में स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो आपको ढूंढने में कोई आसानी मतलब मुश्किल तो नहीं होंगी, और इसीलिए मैंने इसको नंबर वन जो मतलब प्लेस है उस पर रखा है। तो गाइस यार अगर आपको वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर दीजिए, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू देन, बाय बाय।